नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने करनी है वो है फेसिंग। अभी ये टर्न हो रहा था, फेसिंग करना चाहते हैं हम। बाकी सारा कुछ सेम है, वैसे ही वर्क पीस देना है, वैसे ही सारा कुछ है। सेट ऑपरेशन में यहाँ से कर देंगे फेसिंग, नहीं ये फेसिंग, टर्निंग तो वो है ना मशीन, ठीक है, तो उसके अंदर हम फेसिंग करेंगे, ओके करेंगे। वैसे ही ज्योमेट्री देनी पड़ेगी हमारे को, ठीक है, आ रही है, ओके कर देते हैं। लीनियर चाहिए, जिगजैग ही चाहिए, बाकी सारा कुछ सेम है, बस हमने वहाँ से फेसिंग सेलेक्ट कर लिया, सॉरी टूल ले दिया, टूल दे देंगे। जनरेट, तो ये फेसिंग में चल रहा है, ठीक है, अगर मैं वेरीफाई करूं, पहले टर्निंग में चल रहा था, कई बारी मेरे को साइज कम ज्यादा करना है, ये नॉन कटिंग मूव्स है, रीट्रैक कैसे करना है, लीनियर करना है, ठीक है ना, मतलब जब कटिंग होने के बाद वापस टूल जाता है, वो रीट्रैक के टाइम, इंगेज के टाइम, अप्रोच के टाइम, डिपार्चर के टाइम, लोकल रिटर्न, तो ये सारे अलग अलग हैं भाई। इंगेज के टाइम कैसे रीट्रैक हो, मतलब टूल चलेगा जब, मतलब टच होना है, जब रीट्रैक, जब वापस हटना है, पीछे हटना है, तब कैसे टूल की होगी ऑप्शन, क्लियरेंस, कोई क्लैंप क्लम्प लगा हुआ है तो उससे कितनी दूर रहना है, उस टाइम कैसे टूल मूव करना, जनरेट, ठीक है ना, कट डेप्थ कैसी चाहिए, क्या की चाहिए, वेरिएबल चाहिए या हमें कॉन्स्टेंट चाहिए, कॉन्स्टेंट एक एक एम करना जनरल, तो ये कॉन्स्टेंट एक एक एम का कट लगा, ठीक है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो ये सियान कलर की लाइन है ना, सियान कलर की लाइन का मतलब है कटिंग हो रही है, और ब्लू कलर की लाइन है लिफ्ट हो रहा है, वापस जा रहा है, रीट्रैक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लीनियर किया हुआ है इसलिए ये ब्लू लाइन ज़्यादा आ रही है, हर बार वापस टूल जा रहा है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे लीनियर जिगजैग की जगह लीनियर जिगजैग कर दूँ, अभी जिग था, लीनियर जिगजैग कर दिया तो कम हो गया, नीचे नहीं है, ऊपर ऊपर ही, ऊपर ऊपर तो जितना टूल जो है कम उठेगा उतना टूल की लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होगी, अच्छी रेट पे काम, थ्री डी डायनेमिक करेंगे, ये था फेसिंग का ऑपरेशन। पहले वो देखो, वो एक टर्निंग जो थी वो 180 डिग्री पे चल रही थी, ये 270 डिग्री पे चल रहा, ठीक है, ओके कर दो, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रोसेस कर दो, फ्री एक्सेस, ये फेसिंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम आ जाएगा, कोड होंगे, जी कोड होगा, हाँ, जी कोड अपने आप जनरेट कर लेंगे, जो भी मशीन सिलेक्ट कर लेंगे ना हम यहाँ से, सामना जी कोड आप, हाँ, जैसे डेक्टल माउंट की सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, अब क्योंकि वो हाइड मिलिंग के लिए होता है ना इसलिए नहीं बन रहा, जो डेकलमा होगा होता है
ठीक है ना। अब ये सिम न्यूमेरिक का चाहिए जैसे मुझे, ये मिल है, ये भी मिल है, मिल टर्न है ठीक है ना। अब आपके पास मशीन कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पोस्ट प्रोसेसर हाँ क्लैंपिंग। अब ये तो हम पूरा पूरा बना रहे हैं ना, तो हम बड़ा बना सकते हैं। मैं हाँ मैं नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ कि क्लैंप कैसे करेंगे। मैग्नेट भी हो सकती है, कई तरीके की होती है। मिलिंग में भी देखते हैं क्लैंप कैसे लगेगा।